हिंदी करेंगे, ठीक है। आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? हिंदी। हिंदी में बेटा हमने प्रीवियस क्लास में, पिछली कक्षा में भी हमने स्वर और व्यंजन का अभ्यास किया था। किसका अभ्यास किया था? स्वर और व्यंजन का। आप सब जानते हैं स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं, सब जानते हैं आप? हाँ, आप अच्छे से जानते हैं। अगर आपको नहीं पता, अगर आप भूल गए हैं, तो एक बार मैं फिर से बता दूं, स्वर कौन से होते हैं? अ, अ, इ, ई, ऊ, ऊ, है ना। अ से अह तक हमारे स्वर होते हैं, अ से अह तक भी हमारे स्वर होते हैं, ठीक है। और व्यंजन कौन से होते हैं? क, ख, ग, ग, न, क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक हमारे क्या होते हैं? ये व्यंजन, ठीक है। तो आज हम स्वर और व्यंजन का अभ्यास करेंगे। पिछली कक्षा में भी आपने अच्छे से पढ़ा था, लेकिन एक बार इनका वापस से पुनः क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, जिससे आपका स्लिप हो गया हो आपका, तो हमें वापस से याद आ जाए। और बेटा आप सब बुक्स परचेज कर लो, बुक स्टोर पर, अपने स्कूल के यहाँ पर बुक स्टोर है, तो बुक स्टोर से आप बुक परचेज कर लो, नोटबुक परचेज कर लो। और जो वर्क मैं आपको बुक में दूंगी वो आप अपनी बुक में करेंगे, और जो वर्क मैं आपको नोटबुक में दूंगी वो वर्क आप अपनी नोटबुक में करेंगे। और जैसे आपने लास्ट ईयर बहुत, आपने ना बहुत गलतियां की थी, जैसे किसी ने कॉपी नहीं खरीदी, किसी ने बुक्स नहीं खरीदी, तो इस बार बेटा हमें ऐसा नहीं करना है। कोरोना पता नहीं कब तक चलता है, लेकिन हमें हमारी स्टडी कंटिन्यूसली रखनी है। ये नहीं कि ठीक है स्कूल खुलेंगे तब हम बुक परचेज कर लेंगे, ठीक है कॉपीज ले लेंगे, तभी हम पढ़ाई करेंगे। कुछ बच्चे क्या सोचकर बैठे हैं कि जब स्कूल ओपन होंगे, जब कोरोना चला जाएगा, तभी हम हमारी पढ़ाई शुरू करेंगे। लेकिन बेटा अगर ऐसा हम करेंगे, हम वेट करेंगे ऐसा, तो हम टाइम वेस्ट करेंगे और हम पढ़ाई से बहुत पीछे होते जाएंगे। तो आप सबको ऐसा नहीं करना है, आप सबको बुक परचेज करनी है और ऑनलाइन क्लास जो आपका वीडियो है इसको अच्छे से देखना है, समझना है मैम कैसे समझा रही है, ठीक है। उस चीज को समझना है और उसको फॉलो करना है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप स्कूल में अपने पेरेंट के साथ आकर आप बात कर सकते हो कि मैम मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा, मैम मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि ठीक है पढ़ाई छोड़ दी। अगर आप ऐसे इंतजार करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा और आप पढ़ाई में बहुत वीक हो जाएंगे। और बेटा बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं होंगे, अगर आपका बेसिक वीक रह जाएगा, तो आप कैसे पढ़ाई करोगे आगे, है ना। तो क्लासेस तो बढ़ती रहेंगी लेकिन आपको कुछ नहीं आएगा। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो क्लास अटेंड करेंगे, बुक परचेज करेंगे, और डेली आपको वर्क करना है। जो भी आपको रिटर्न वर्क, लर्न वर्क, लर्निंग वर्क मिलता है वो डेली करना है, ठीक है। सर कल कर लेंगे, आज भी कल कर लेंगे, तो आपको बहुत सारा वर्क हो जाएगा, फिर आपसे हो नहीं पाएगा। इसलिए डेली जो भी थोड़ा थोड़ा मिलता है आपको, उसको कंटिन्यूसली आपको करना है, ठीक है। सब बच्चे मानेंगे मैम की बात? यस, ठीक है। तो आज हम हिंदी में करेंगे स्वर और व्यंजन। ये क्या होते हैं हमारे स्वर, क्या होते हैं ये हमारे स्वर, ठीक है। आप सब जानते हैं स्वर कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम स्वर का अभ्यास करेंगे। ये वाला वर्क आपको अपनी कॉपी में करना है। मैं फिर से बोल दूं, आपको न्यू कॉपीज बनानी है, बुक परचेज करनी है, ठीक है। आप लेट नहीं करेंगे, बुक परचेज करेंगे। स्वर ये कॉपी में करना है, हिंदी नोटबुक में आपको करना है। तो स्वर में आज हम करेंगे अ, अ से अनार, अ से आम, छोटी ई से इमली,
बड़ी ई से ईग, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, आई से आईना, ओ से ओखली, औ से औरत, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से आईना, ओ से ओखली, औ से औरत, अं से अंगूर, अह व्यंजन। व्यंजन कौन से होते हैं बेटा? क ख ग घ अने क से ज तक ये हमारे व्यंजन होते हैं। आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, लेकिन इस कक्षा में भी एक बार हम दोबारा इनका अभ्यास करेंगे। और कुछ बच्चे भूल गए हैं, जिनको नहीं आता है वो लिखेंगे, लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारे व्यंजन है। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अने खाली, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा,
जो ये
जो मार्क्स होते हैं वो मिलते हैं। तो ये नहीं कि आप बहुत केयरलेस हो जाए कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, तो बेटा करना बहुत जरूरी है, रिवीजन तो बहुत ही जरूरी है। तो स्वर और व्यंजन आपको अपनी कॉपी में बोल बोल कर लिखने हैं। अब आज हम करेंगे हिंदी पोयम। क्या करेंगे? हिंदी पोयम। तो आप सबने बहुत सारी हिंदी पोयम सुनी होगी, है ना? तो आज हम करेंगे हिंदी पोयम, मैं आपको करवाती हूँ। एक चिड़िया के बच्चे चार, एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाए, उत्तर से दक्षिण को जाए, घूम लिया है जग ये सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। ठीक है, once again एक बार फिर से रिपीट करेंगे। एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाए, उत्तर से दक्षिण को जाए, घूम लिया है जग ये सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। कैसी लगी आपको ये कविता? अच्छी लगी? तो आपको इस कविता को भी लर्न करना है और अपने अपने मम्मी पापा को सुनाना है। फिर जब स्कूल ओपन हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे वापस से, स्कूल बिल्डिंग ओपन हो जाएगी, तब मैम को सुनाना। ठीक है, तो मैम आपसे सबसे सुनेंगे कि मैम ने आपको कौन कौन सी कविता लर्न करवाई थी, वो सारे बच्चों से मैम सुनेंगे। ओके डन। तो आप स्वर और व्यंजन बहुत अच्छे अच्छे राइटिंग में बोलकर लिखेंगे। अ से अह, क से ग, और आपको ये भी होना चाहिए जो मैंने आपको सुनाया था, अनार का मीठा।